जूम एप्लीकेशन ने तेजी से ग्रो कर रहे थे, उसी के चलते हुए फेसबुक ने एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकाल दिया है, जो अपडेट आपको बहुत ही मदद करने वाला है। आज से आप लोग क्या करते, दूसरे के मोबाइल में कुछ सेटिंग, फोटो, वीडियो देखने के लिए उसको बोलते थे, भाई आप क्या करना, अपना स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपना सारे चीज हमको भेज दीजिए, ऐसे करते थे। लेकिन आज से आपको बोलना चाहता हूँ, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। आज सारे चीज आप ऑनलाइन से कर सकते हैं, वो भी अपना मोबाइल से खुद कर सकते हैं। सारे चीज पहले आपको अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। उससे पहले अगर मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मेरा चैनल में वो नया है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं पहले लेके आता हूँ। तो चलिए जान लेते हैं वो क्या अपडेट निकल कर आया जो आप खुद कर सकते हैं। आज से हम लोग क्या करते थे, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जो किसी का मोबाइल का फोटो देखना है, वीडियो देखना है या कुछ भी करना है, सेटिंग करना है, जैसे मान लो कोई एक फॉर्म फिलअप किया है, वो फॉर्म को कैसे हम लोग देखना है, ठीक है, उसका अगर मान लो वो दिल्ली में रहते हैं मैं या कलकत्ता में हूँ, तो उसका फॉर्म को कैसे देखना है, वो भी ना भेजे अपना मोबाइल से ऑनलाइन से कैसे देख सकता है, ये सारी चीज मैं आपको बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो ये करने के लिए आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप सभी के पास तो व्हाट्सअप होगा, फेसबुक होगा, उसी पर मैसेंजर भी होते होंगे, है कि नहीं। मैसेंजर ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं। अगर आप मैसेंजर नहीं यूज करते हैं, तो मैसेंजर को जरूर डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि मैसेंजर में एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ गया है, जो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन। जैसे कि अगर सर आप अपना कॉलिंग के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से स्क्रीन को शेयर भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, सही बोल रहा हूँ, आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, जो काफी हद तक बहुत ही आपको फायदा होने वाला है। हो सकता है अपना गर्लफ्रेंड या किसी का भी फोटो देख सकते हैं उस जगह में, गैलरी में कौन सा फोटो रखा, उसका बिना परमिशन लेके, ऐसे नहीं जो उसका परमिशन नहीं लेके देख सकते, वो कॉल किया उसको बोल सकते हो चलिए आपको गैलरी में जाइए, वो गैलरी में क्या क्या रखा है देखना है, वो सारे चीज आप अपना मोबाइल से देख सकते हैं। है ना कमाल का फीचर, बहुत ही कमाल का फीचर दिया है। लेकिन इसको कैसे इनेबल करना, मैं मोबाइल का स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ, उसको कॉल करना है मैसेंजर में, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इस जगह में कुछ कंडीशन भी है इस जगह में, जैसे कि आपको वाईफाई या नेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, तो अभी वीडियो कॉलिंग अच्छे से दिखाई देगा। जैसे कि मान लो उसका स्क्रीन अगर अच्छे से देखना चाहते हैं, तो दोनों का ही नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, तो अभी क्या वीडियो क्लियर आएगा, नहीं तो अच्छा तरीके से आपको उसका स्क्रीन दिखाई नहीं देगा। तो दोनों एक साथ स्क्रीन को शेयर नहीं कर सकते, दोनों एक साथ स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी को दूसरे का स्क्रीन नहीं दिखाई देगा। इसलिए एक लोगों को शेयर कीजिए, एक लोग देखिए, अगर आपका शेयर कर रहे हैं तो उसका देखिए, अगर उस शेयर कर रहे तो आप देखिए, ऐसे अगर दोनों ही शेयर कर देते हैं तो दोनों को ऑडियो सुनाई देगा लेकिन स्क्रीन नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और स्क्रीन रिकॉर्ड चलते सुइए, फिर स्क्रीन को अगर शेयर करते हैं उस टाइम आपको फेस नहीं दिखाई देगा जो शेयर करेगा, ओनली फॉर उसको ऑडियो दिखाई देगा। ये बहुत ही बड़ी अपडेट आ गया है, तो जरूर इसको इस्तेमाल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर देना, साथ ही दोस्तों का शेयर कर देना, अगर मेरा चैनल नया है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। चले मिलते हैं अगले वीडियो के ऊपर, तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।